तो दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने अपने चैनल पर एक प्रोजेक्टर स्क्रीन की वीडियो बनाई थी और उस पर काफी अच्छा खासा रिस्पांस मिला आप लोगों का। और बहुत सारे लोगों ने नीचे कमेंट करके ये भी बोला था कि एक ऐसा प्रोजेक्टर सजेस्ट करो जो कि फुल एचडी हो और बजट में आता हो। और आजकल के टाइम में अगर आप कोई प्रोजेक्टर ढूंढ रहे हो ना, तो मैं बोलूंगा कि भाई फुल एचडी तो कम से कम होना ही चाहिए, क्योंकि थोड़ा और अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है। तो आज ऐसे एक प्रोजेक्टर के बारे में हम बात करेंगे जो कि है एक्स इलेक्ट्रॉन कंपनी की तरफ से, और इसका जो मॉडल नंबर है वो है C9+। और जैसे मैंने बोला, एक फुल एचडी प्रोजेक्टर है और साथ में ये एंड्रॉयड प्रोजेक्टर है, और भी बहुत सारे इसमें आपको फीचर्स वगैरह देखने को मिलते हैं। और ये जो प्रोजेक्टर है इसको मैं कुछ दिनों से यूज़ कर रहा हूँ, इसको ऑलरेडी हम अनबॉक्स करके यहाँ पर रखा हुआ है मैंने, लेकिन फिर भी वीडियो शुरू करते हैं। इसके जो बॉक्स कंटेंट्स है, तो बॉक्स इसका कुछ इस तरह से रहता है, देख सकते हो काफ़ी कलरफुल सा बॉक्स है। और बॉक्स ओपन करते ही सबसे पहले जो प्रोजेक्टर है वो आपको कुछ इस तरह से पैकेजिंग में मिलेगा। इसको अब एक बार साइड में रखते हैं, इसको आगे देखेंगे। उसके अलावा यहाँ पर एक और बॉक्स है जिसमें ऑब्वियसली इसकी जो केबल्स वगैरह रहेंगी, तो यहाँ पर 3.5mm RCA केबल आपको मिलती है, साथ में यहाँ पर HDMI केबल भी आपको दी हुई है। उसके अलावा पावर केबल है, ऑब्वियसली आपको इसको पावर करना होगा। साथ में इस प्रोजेक्टर का थोड़ा बहुत एंगल चेंज करने के लिए यहाँ पर आपको एक स्क्रू दिया हुआ है जो इस प्रोजेक्टर के नीचे लग जाता है, लेकिन इसके अलावा इसको आप माउंट भी कर सकते हो। और ऑब्वियसली उसके बाद यहाँ पर एक IR रिमोट आपको दिया हुआ है जिससे आप ये जो प्रोजेक्टर उसे कंट्रोल कर पाओगे। यूजर मैनुअल है और यहाँ पर आपको 1 ईयर की वारंटी मिलती है। तो ये तो बात हुई इसके बॉक्स कंटेंट के बारे में, लेकिन अब आते हैं इस प्रोजेक्टर की तरफ। और सबसे पहले जैसा आप देख सकते हो, ये जो प्रोजेक्टर है इसका जो लुक है वो काफी सही लग रहा है, काफी प्रीमियम से यहाँ पर इसका डिजाइन वगैरह है। और ऑब्वियसली यहाँ पर जो आपको बिल्ड क्वालिटी मिलती है इस प्रोजेक्टर में वो प्लास्टिक मिलती है, लेकिन जो प्लास्टिक मटेरियल यहाँ पर यूज हुआ है वो काफी सॉलिड है, काफी अच्छा खासा है। और उसके अलावा यहाँ पर इसके ओवरव्यू की बात करूँ तो प्रोजेक्टर के फ्रंट में यहाँ पर एक्स इलेक्ट्रॉन की ब्रांडिंग है, IR रिसीवर है, और ऑब्वियसली यहाँ पर इसका जो लेंस है। राइट साइड में यहाँ पर इसके जो एयर वेंट्स देखने को मिल जाएंगे, तो थोड़ा सा इसको कूल डाउन रखने में मदद करेगा। पावर पोर्ट आपको यहाँ पर दिया हुआ है। प्रोजेक्टर के बैक साइड में भी यहाँ पर आपको वेंट्स देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर फैन है एयर इनटेक के लिए, और साथ में यहाँ पर एक VGA पोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा प्रोजेक्टर के लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर इसके जो मेन पोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे, तो यहाँ पर 2 HDMI के पोर्ट्स हैं, यहाँ पर 3.5 हेडफोन जैक है आपको देखने को मिल जाएगा, AV यहाँ पर पोर्ट है, साथ में यहाँ पर 2 USB A के पोर्ट्स हैं। उसके बाद यहाँ पर भी आपको ग्रिल्स देखने को मिलती है हीट डिसिपेशन के लिए, तो काफी सारी आपको ग्रिल्स मिलती हैं, थोड़ा सा यहाँ पर इसको कूल डाउन रखने में मदद करेगा। उसके बाद प्रोजेक्टर के ऊपर की तरफ देखोगे तो यहाँ पर ग्लॉसी टाइप की आपको फिनिशिंग मिलती है, और यहाँ पर एंड्रॉइड का लोगो है, तो ऑब्वियसली एंड्रॉइड यहाँ पर ये प्रोजेक्टर है, वाईफाई वगैरह सपोर्ट करता है। साथ में ऊपर की तरफ यहाँ पर कुछ फिजिकल कीज हैं इस प्रोजेक्टर को कंट्रोल करने के लिए, और यहाँ पर एक की स्टोन करेक्शन और फोकस डायल आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। प्रोजेक्टर के नीचे की तरफ यहाँ पर इसकी स्पीकर ग्रिल है, तो यहाँ पर एक डाउन फायरिंग स्पीकर है 3 वॉट का, और जो स्पीकर की क्वालिटी है वो लोगों की ठीक ठाक है, बट ऑब्वियसली बेटर एक्सपीरियंस के लिए मैं हमेशा यहाँ पर एक्सटर्नल स्पीकर ही रिकमेंड करूंगा। और इस प्रोजेक्टर को यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए इसके साथ जो आपको रिमोट मिलता है तो वो कुछ इस तरह से दिखता है, और बेसिक आपको इसमें सारे फंक्शंस मिल जाएंगे। उसके अलावा इस प्रोजेक्टर की जो मेन स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करूं, तो जैसे बताया यहाँ पर ये एक एंड्रॉइड प्रोजेक्टर है, तो यहाँ पर आपको जो एंड्रॉइड का वर्जन मिलता है वो मिलता है 9.0। इसमें आपको 1 GB की रैम मिलती है और यहाँ पर 8 GB की जो स्टोरेज आपको मिलेगी। क्वाड कोर आपको यहाँ पर CPU देखने को मिलता है, ब्लूटूथ 4.0 है इसमें, और यहाँ पर जो वाईफाई है जैसे मैंने बताया सिंगल बैंड वाईफाई आपको मिलेगा 2.5 GHz वाला। लेकिन बात करते हैं इस प्रोजेक्टर की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है इसकी जो पिक्चर क्वालिटी। तो ये जो प्रोजेक्टर है जैसे मैंने बताया फुल HD प्रोजेक्टर है, तो यहाँ पर 1080p आपको रेजोल्यूशन मिलेगी। ब्राइटनेस जो आपको मिलेगी इस प्रोजेक्टर के साथ वो मिलेगी 3800 ल्यूमेंस की, जो कि 380 NSI होता है, और ब्राइटनेस में यहाँ पर ठीक ठाक है। थोड़ी बहुत अगर रोशनी रहती भी है रूम में तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन बेटर एक्सपीरियंस के लिए अगर रूम डार्क होगा तो काफी बेटर एक्सपीरियंस हो जाता है। कलर्स वगैरह जो इस प्रोजेक्टर के हैं वो काफी बढ़िया है, यहाँ पर जो कॉन्ट्रास्ट रेशो है वो भी मुझे काफी सही लगा, 2000:1 का यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट रेशो मिलेगा, और ओवरऑल जो पिक्चर की क्वालिटी है यहाँ पर फुल HD काफी शार्प है। और इसके अलावा जैसे बताया ये एक एंड्रॉइड प्रोजेक्टर है, तो आप इसमें अलग अलग तरह के सारे जो एप्स वगैरह इंस्टॉल कर सकते हो, जितने भी OTT प्लेटफॉर्म वाले रहते हैं, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो गया, चाहे अमेजॉन प्राइम हो गया, यूट्यूब हो गया, या फिर हॉटस्टार वगैरह जो भी अगर आप यूज करते हो तो। लेकिन यहाँ पर जितनी भी आप ऐप इंस्टॉल करोगे OTT प्लेटफॉर्म वाली, वो यहाँ पर मोबाइल वाली जो ऐप इंस्टॉल होती है, यानी कि नेटफ्लिक्स पे अगर आप कोई मूवी वगैरह देख रहे हो तो वहाँ पर जो रेजोल्यूशन रहती है वो रहती है 480p की। तो अगर आपको 1080p में जो भी मूवी वगैरह देखनी है तो आपको अलग से एक जो स्ट्रीमिंग डिवाइस है उस पर यहाँ पर अटैच करना होगा, या फिर आप पेन ड्राइव वगैरह भी लगा सकते हो। तो पिक्चर क्वालिटी यहाँ पर इस प्रोजेक्टर की मैं बोलूँगी डेफिनेटली काफी सही है, काफी शार्प डिस्प्ले है, कलर्स वगैरह भी काफी वाइब्रेंट है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि भाई कितनी बड़ी स्क्रीन प्रोजेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ पर आप 35 इंच से यहाँ पर 180 इंच तक की जो यहाँ पर जो स्क्रीन है उसे प्रोजेक्ट कर पाओगे। और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से इस प्रोजेक्टर के साथ अगर आप 120 इंच तक का जो डिस्प्ले प्रोजेक्ट करते हो तो जो स्क्रीन की क्वालिटी रहती है बहुत ही बेटर रहती है। उसके बाद इस प्रोजेक्टर के और कुछ फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको मीरा कास्ट का ऑप्शन दिया है, तो अपने फोन का कोई कॉन्टेंट वगैरह आपको कास्ट करना है तो यहाँ पर इसकी मदद से कर सकते हो। मैनुअल की स्टोन करेक्शन के अलावा भी यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक की स्टोन करेक्शन भी देखने को मिलता है, तो किसी भी वॉल पर प्रोजेक्ट करते टाइम अगर आपको थोड़ा बहुत एंगल एडजस्ट करना है तो आप इसकी मदद से कर पाओगे। जूम इन जूम आउट का ऑप्शन है तो वो भी सही है। तो ओवरऑल ये जो प्रोजेक्टर है एक्स इलेक्ट्रॉन C9+ काफी अच्छा खासा एंड्रॉइड फुल HD प्रोजेक्टर है, और यहां पर अगर आपको इसको खरीदना होगा तो इसका जो प्राइस है वो यहां पर है 15,000 के आसपास, और 15,000 के आसपास के प्राइस पॉइंट में मुझे लगता है कि यहां पर आपको जो परफॉर्मेंस मिल रही है, जो पिक्चर क्वालिटी मिल रही है, डेफिनेटली यहां पर काफी अच्छी है। क्योंकि इससे पहले मैंने एक और प्रोजेक्टर की वीडियो बनाई थी इसी तरह की, उसकी भी परफॉर्मेंस थी और वो यहां पर उसका प्राइस था 20,000 रुपए। तो मुझे लगता है कि अगर आप कोई एक फुल HD प्रोजेक्टर यहां पर ढूंढ रहे हो और एंड्रॉइड प्रोजेक्टर ढूंढ रहे हो तो डेफिनेटली आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर
आपने इस प्रोजेक्टर को खरीदना होगा तो मैंने इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो आपको कैसे लगा ये प्रोजेक्टर ये आप मुझे कमेंट करके बताओ, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना, और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मैं आपको मिलूंगा।